हेलो, बरसात का मौसम है। मक्खी मच्छर इस मौसम में बहुत होते हैं और उसको भगाने का एकमात्र उपाय है ये, जिसके लिए ये देखो, मैंने ये फिनाइल की 5-6 टिकियां ले ली हैं, सरफ है, नमक है और ये नींबू काट के रखे हुए हैं। और इसको अच्छी तरह, सबसे पहले ना ये फिनाइल की टिकियां पीस लेते हैं, इनको बारीक पीसना है। पुरानी कोई मिक्सी ले लेना, उसी में ही वो करना। ये नीम की मैंने पत्तियां ली हैं, इसी में मैं ये डालती हूँ मीठा सोडा 1 चम्मच भर के, और ऊपर से ये डालेंगे विनेगर, और थोड़ा मैंने हार्पिक लिया है, हार्पिक की बोतल में ही डाल दूंगी, इसी में ही है हार्पिक। फिनाइल की टिक्कियां अच्छी तरह पिस गई हैं, अब इसमें ये सब डाल देते हैं, नीम की पत्तियां भी और नींबू वगैरह, मिर्ची मुर्ची सब डाल। ये देखो, ये ऐसे चटनी सी पेस्ट सी बन गई है। अब इसमें ये डाल देते हैं पानी और इसको अच्छी तरह बॉइल करके फिर छान देते हैं। ये देखो, छलनी करके मैंने हार्पिक वाली बोतल में डाल दिया है, और इस पे कॉटन पे लगाओ, और इस तरह ये कहाँ से निकलते हैं, ये किनारे होते हैं, किनारों से ही वो होते हैं हमेशा। अब ये किनारों पे 3-4 कॉटन के ये स्वैब भिगो के और कोनों कोनों में रख दो। अब इससे मक्खी मच्छर, और पोचा लगाते हैं, पोचे में डाल दो एक ढक्कन, और ये पूरी बोतल भर लेना, पूरी बोतल, ये हार्पिक की पूरी बोतल भर लेना पानी डाल के। तो ये 2-3 ढक्कन इसमें डाल दो अपना पोचे में, और इससे भी मक्खी मच्छर कुछ नहीं आएंगे। अब आपको ये बनाना कैसे लगा, अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय, थैंक यू, और घर से मक्खी मच्छर भगाओ और बीमारियों से बचो। ये छलनी किया हुआ, इसको पौधों की जड़ों में डालेंगे, इससे कीड़े नहीं लगते।